नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टोंक जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद दो दिवसीय दौरे पर निवाई पहुंचे, जहां पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया एवं निवाई पीपलू ब्लॉक अध्यक्षों शपथ दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक प्रशांत बेरवा ने की, जहां कार्यकर्ताओं ने 51 किलो फूल माला से स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह में पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। टोंक जिला प्रभारी मंत्री साले मोहम्मद ने केंद्र सरकार पर ERCP इसरदा डैम सहित अन्य मुद्दों पर जमकर घेरा। वहीं विधायक प्रशांत बेरवा ने कांग्रेस सरकार के विकास का बखाना किया। उन्होंने कहा कि निवाई पीपलू में कृषि कॉलेज, सड़क, तहसील, पंचायत समिति सहित कई बड़े बड़े कार्य किए हैं। जल्द ही अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन और स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनिक डॉक्टर लगवाने के आश्वासन दिया। को सीधे अलवर तक भेज रहे हमारे यहाँ मन रहा है, हमारे जिले मन रहा है, तो इसका कुछ प्रश्न हमारे जिले को भी मिलना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। मैं भी खुद मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा, आपको चाहता हूँ कि मैं इधर दौसा और अलवर तक नहीं पहुँचे। टोंक भी पैसा है, हालांकि टोंक पर मेरे को डराना होता तो मैं एक बात बोलता हूँ, टोंक वालों को मानते नहीं हूँ। टोंक वालों को तो मैं बोलता हूँ भैया, हम तो उस जगह से आते हैं जो राजधानी को पानी पिलाता है। जब राजस्थान की राजधानी तब जाके मानते हैं यहाँ पे टोंक वाले, तो पानी का मुद्दा तो बहुत गरमाया है। इसको आप, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, इस तरह का जो पानी है वो हमारे किसानों को मिले, उसके लिए हम सब लोग तत्पर रहेंगे। आप जहाँ बोलोगे हम प्रदर्शन भी करेंगे, आप जहाँ बोलोगे वहाँ चल के भी ले जाएंगे। चाहे आपको 100 गड़े ले जाने, 400 गड़े ले जाने, अपना गाँव वालों का सब तैयार बैठे हैं हमारे। ये इस तरह का पानी और ERCP जो हमारे मुद्दे हैं जिनको हम लेके रहेंगे। रही बात बस स्टैंड की, बसों की, तो मैं आपसे निवेदन और करना चाहता हूँ कि अखबार में भी छुपी थी और मैंने पहले भी मंत्री जी से बात की थी, यहाँ पे बसें आती नहीं, पहले तो रोड खराब थी। देश के हालात हो रहे हैं, आज आम आदमी डरा हुआ है, आज नफरत जो देश के अंदर फैल रही है, जो आज पूरे देश के हालात चिंताजनक बने हुए, ये सब चीजें मुझे देश के अंदर मिटानी है। आज सम्भावना की भावना पूरे देश के अंदर लेके आनी है, इस नफरत को मिटाना। तो आप समझ सकते हैं कि आज वो हमारा युवा राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी आज जिस जज्बे के साथ चले, तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया, पूरे देश ने स्वागत किया। और 30 तारीख को आप देखेंगे जो महात्मा गांधी जी का शहादत का दिवस है, उस दिन वो लाल चौक पर वहाँ झंडा फहराएगा। तो उसी के तहत पूरे देश के अंदर 26 जनवरी के दिन हम हाथ से हाथ जोड़ अभियान चला रहे हैं और पूरे देश में 3 महीने तक ये अभियान चलेगा। और ये अभियान हर मतदान जो हमारा है, जहाँ हमारे वोट पड़ते हैं, उस मतदान वापस जाएगा गांव में, उस गांव में जाकर के जो राहुल गांधी जी जिस मकसद से यात्रा चला रहे हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ लेके आम जन से बात करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि हम तैयारी की मीटिंग लेंगे कल, और आप भी अपने निवाई पीपलू के अंदर विधायक महोदय के साथ पैदल यात्रा भी करें, और आप हर आपके जो बूथ हैं उस बूथ तक इस यात्रा को लेके जाएं, मुझे विश्वास। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।